शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी अभी लेसन नंबर 2, शब्दार्थ, कागज की नाव का शब्दार्थ। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को नए शब्द लिखने को बताई थी, पढ़ने को भी बताई, और मुझे आशा है आप लोग उसको लिख लिए होंगे और प्रैक्टिस भी करते होंगे पढ़ने के लिए। फिर मैं अभी इस पार्ट में आप लोग को शब्दार्थ लिख के बोर्ड पे आप लोग को पढ़ा रहे हूँ, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं शब्दार्थ। तो अभी मैं शब्दार्थ बोर्ड पे लिख रही हूँ, और बोर्ड पे मैं इसलिए लिखती हूँ कि जब मैं लिखते लिखते आप लोग को पढ़ाऊँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, मेरा मार्कर देख के आप लोग अच्छे से समझ जाए मैं क्या लिखना चाहती हूँ, और लिखते लिखते मैं आप लोग को पढ़ा देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाता होगा। इसलिए मैं अभी आप लोग को अभी तो शब्दार्थ पढ़ा रही हूँ, और शब्दार्थ को आप लोग अच्छे से अपने बुक में नोट करिएगा और पढ़िएगा। तो हम पहला शब्दार्थ लेते हैं आंगन। क्या है आंगन? आंगन मीन्स क्या होता है? प्रांगण। प्रांगण क्या होता है? प्रांगण आप लोग के बुक में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कोर्टयार्ड, इसको क्या बोलते हैं? कोर्टयार्ड। लेकिन हम हिंदी में ही समझने की कोशिश करेंगे। मैं जब कठिन शब्द पढ़ा रही थी तो उसमें भी मैं आंगन लिखी हुई थी, तो उसमें आंगन को मैं क्या बताई थी, यहाँ पे प्रांगण या कोर्टयार्ड लिखा हुआ। जैसे गाँव में घर होते हैं ना, तो जो बीच का खाली जगह रहता है, चारों तरफ से घर रहते हैं और बीच में खाली जगह रहता है, उसको हम प्रांगण बोलते हैं। या फिर आप लोग भी स्कूल में देखे होंगे, मतलब चारों ओर से घिरा हुआ बीच में खाली जगह, उसको हम प्रांगण बोलते हैं, कोर्टयार्ड बोलते हैं। तो गांव के घरों में वैसा ही होता है, चारों तरफ घर होता है और बीच में खाली जगह होता है, उसको हम प्रांगण बोलते हैं। आप लोग समझिए, कोर्टयार्ड भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोर्टयार्ड बोलते हैं। अब देखिए, भीगना, भीगना, भीगना मीन्स क्या होता है? गीला होना, गीला होना मीन्स हम बारिश में भीग जाते हैं या फिर पानी से भीग जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? गीला होना। हम क्या हो गए हैं? हम गीले हो गए हैं। भीगना मीन्स गीला होना। नाश्ता, नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट। हम सुबह का जलपान सीखेंगे लिखना, और इसको हम ब्रेकफास्ट भी बोलते हैं, सुबह का जलपान, सुबह का जलपान जो हम सुबह खाते हैं नाश्ते में, उसको हम जलपान भी बोलते हैं। निराश, यहाँ पे हम एक ले लेंगे निराश। निराश मीन्स क्या होता है? मायूस होना। निराश मीन्स होता है मायूस होना। आंगन, प्रांगण, भीगना, गीला होना, नाश्ता, सुबह का जलपान, निराश, मायूस। अब देखिए नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा क्या है? नेक्स्ट है वर्षा। वर्षा मीन्स क्या होता है? बारिश, रेन, बारिश, रेन। बारिश को हम क्या बोलते हैं? रेन। थमी नेक्स्ट है थमी। थमी मीन्स क्या होता है? रुकना या रुक जाना, रुकी हुई, रुकी हुई। थमी रुकी हुई। तो ये आप लोग का शब्दार्थ इतना ही था, और नए शब्द में यहाँ पे थोड़े नए शब्द एक दो बच गए, वो भी लिख लीजिए। नए शब्द में
खिड़की, खी प्लस रा अ, सारी खिड़की तो मैं आप लोग को लिखवा चुकी हूँ पहले, खिड़की में लिखवाई थी पहले, आसमान नहीं था तो हम आसमान लिख लेंगे, आ लस मा न, क्या हुआ आसमान, आसमान क्या हुआ आसमान। यहाँ देखिए ठंडी, ठ प्लस डी ठंडी, हम लिखेंगे ठंडी मीन्स कोल्ड, ठंडा जो बोलते हैं ना वो ठंडा है उसको कोल्ड बोलते हैं। आंगन ही हो गया था, बूंदे बूंदे, बूंदे मीन्स ड्रॉप, जो बारिश की बूंदे होती है ना उसको ड्रॉप बोलते हैं, वो बूंदे होती हैं। नेक्स्ट तैराई, तैराई, तैराई मतलब तैरना, तैराई, तैराई मीन्स क्या होता है तैरना। और नेक्स्ट है मुस्कुराते, मुस्कुराते, देखिए मुस्कुराते, मुस्कुराते, यहाँ पे हम लिखेंगे मुस्कुराते मतलब स्माइल देना, क्या होता है स्माइल देना। जो इसके पहले मैं नए शब्द आप लोग को लिखवाई इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा। अगर मैं वहाँ पे 6 लिखवाई हूँ तो ये 7, 8, 9, 10, 11 हो जाएगा। अगर मैं वहाँ पे 5 लिखवाई तो 6, 7 कंटिन्यू करना है उसके आगे। ये थोड़े से शब्दार्थ, अरे नए शब्द छूट गए थे वो मैं आप लोग को इधर कंप्लीट करवा दी। तो आप लोग को, आप लोग का काम यही रहेगा कि आप जब नए शब्द लिख रहे हो, शब्दार्थ लिख रहे हो, तो उसके नीचे कंटिन्यू करना है। समझ में आ गया? तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, उसके बाद शब्दार्थ लिख लीजिएगा, उसके बाद क्या होगा आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा। तो एक बार मैं आप लोग को ये नए शब्द पढ़ा देती हूँ। आ स म में आ की मात्रा, मा न आसमान, आसमान मीन्स क्या होता है स्काई, आप लोग आकाश देखे होंगे इसको हम आकाश भी बोलेंगे स्काई भी बोलेंगे। ठंडी, ठ पे अ की मात्रा, ड पे बड़ी की मात्रा, ठंडी, ठंडी मीन्स क्या होता है कोल्ड। ब पे बड़ाओ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदु, द में ए की मात्रा, बूंदे, बूंदे मीन्स ड्रॉप, जो बारिश की बूंदे गिरती हैं आप लोग देखे उसको बूंदे बोलते हैं, बूंदे बोलते हैं। तैराई, त में ए की मात्रा, र में आ की मात्रा और बड़ी ई। तैराई मीन्स क्या होता है हम बोट बनाते हैं, बोट बना के पानी में छोड़ देते हैं तो उसको तैराई बोलते हैं। तैराई मैंने क्या किया, मैंने बोट बनाया और बोट बना के मैं पानी में तैरा दी, पानी में तैरा दी उसको, वही तैराई होता है। मुस्कुराना, म में छोटाओ की मात्रा, आधा स, क में छोटाओ की मात्रा, र में आ की मात्रा, त में ए की मात्रा, क्या हुआ मुस्कुराते, मुस्कुराते। आसमान, ठंडी, बूंदे, तैराई, मुस्कुराते। तो आप लोग का ये नए शब्द हो गया। नए शब्द को क्या करना है जो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग लिखे होंगे तो फिर कंटिन्यू करना है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है देखने के बाद। और अब मैं आप लोग को शब्दार्थ पढ़ा दूंगी। आंगन, अपे आ ऊपर चंद्रबिंदु, ग न आंगन मीन्स प्रांगण। भवे बड़ी की मात्रा, ग न में आ की मात्रा, भींगना मीन्स गीला होना, भींगना मीन्स गीला होना। नाश्ता, ना आधा श, त में आ की मात्रा, नाश्ता सुबह का जलपान या ब्रेकफास्ट। निराश, न में छोटी की मात्रा, र में आ की मात्रा, श निराश, मायूस
मायूस, म में आ की मात्रा, य में छोटा उ की मात्रा, स मायूस। वर्षा, व स में आ की मात्रा, ऊपर, व सा सपे ऊपर र की मात्रा, वर्षा बारिश। भ में आ की मात्रा, र में छोटी की मात्रा, श बारिश। थ म में बड़ी की मात्रा, थमी थमी। र पे बड़ा छोटा की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, रुकी हुई। ह पे छोटा की मात्रा और बड़ी रुकी रुकी हुई। थमी मीन्स रुकी हुई। आंगन, प्रांगण। भींगना, गीला होना। नाश्ता, सुबह का जलपान। निराश, मायूस। वर्षा, बारिश। थमी, रुकी हुई। आसमान, ठंडी, बूंदे। तैराई, मुस्कुराते। तो ये आप लोग का शब्दार्थ हो गया और ये आप लोग का नए शब्द जो आपको कंटिन्यू करने हैं। और शब्दार्थ और नए शब्द लिखने भी हैं। आप लोग का वर्क रहेगा शब्दार्थ और नए शब्द। शब्दार्थ और नए शब्द आप लोग का वर्क रहेगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोग को शब्दार्थ और नए शब्द समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अच्छे से मेरा वीडियो देख के प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक बार और आप लोग को समझा देती हूँ। शब्दार्थ ये क्या है? आंगन, प्रांगण मीन्स कोर्टयार्ड। आंगन मीन्स कोर्टयार्ड। भीगना, गीला होना। भीगना, गीला होना। नाश्ता, सुबह का जलपान। निराश, मायूस। वर्षा, बारिश। थमी, रुकी हुई। आसमान, ठंडी, बूंदे। तैराई, मुस्कुराते। मैं आप लोग को थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे शब्दार्थ और नए शब्द। अब मैं अब लेसन पे आ जाती हूँ। अब जरा हम लेसन भी देख लेंगे। लेसन नंबर 2, कागज की नाव। मैं अब आप लोग को समझाऊंगी कागज की नाव के बारे में। देखिए यहाँ पे, बारिश के दिनों में आप इनमें से कौन कौन सी वस्तुओं को देखते हैं बताइए। क्या लिखा है? बारिश के दिनों में आप इनमें से कौन कौन सी वस्तुओं को देखते हैं बताइए। पहला है क्या है? छाता, अम्ब्रेला। दूसरा है मेंढक। तीसरा क्या है? रेनकोट है। ये क्या है? कछुआ है। ये क्या है? कागज की नाव है। और ये क्या है? केंचुआ है, एक कीड़ा है जो बारिश के दिनों में निकलता है। और ये क्या है? बादल है। ये आप लोग बुक देखिए, यहाँ पे है क्या है? अम्ब्रेला है यानी छाता। ये क्या है? फ्रॉग है यानी मेंढक। ये है रेनकोट जो हम बारिश में पहनते हैं, प्लास्टिक का रहता है। अगर हम उसको पहन ले तो क्या होता है? हम बारिश में भीगते नहीं हैं। ये है स्नेल। क्या है? स्नेल है, एक घोघा। इसको हिंदी में हम घोघा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम स्नेल बोलते हैं। ये बारिश के दिनों में हमको दिखाई देता है।
ये क्या है? बोट है, नाव है, क्या है? बोट है। और ये क्या है? अर्थवर्म है, जो बारिश के दिनों में ही निकलता है। केंचुआ भी इसको हम बोलते हैं, हिंदी में केंचुआ बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में हम इसको अर्थवर्म बोलते हैं। और ये क्या है? क्लाउड यानी बादल। तो यहाँ पे आप लोग के बुक में पूछ रहा है कि बारिश के दिनों में आप इनमें से कौन कौन सी वस्तुओं को देखते हैं बताइए। ऑलमोस्ट सभी दिखते हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, हम सारे चीज़ों को हम बारिश में देखते हैं। ओके, अब देखिए हम जानेंगे वर्षा ऋतु के विषय में। क्या करेंगे? वर्षा ऋतु के विषय में जानेंगे, किसी भी स्थिति में विकल्प ढूंढना। और तीसरा है एक अनेक नाम शब्द। ये कागज की नाव लेसन में हम लोग ये चार टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। वर्षा ऋतु के विषय में जानेंगे, किसी भी स्थिति में विकल्प ढूंढना, मतलब हम जैसे कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में आ गए, किसी भी मुसीबत में आ गए तो हम उसमें से निकलेंगे कैसे, हम ये सीखेंगे। एक अनेक, एक शब्द अनेक शब्द, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंगुलर और प्लूरल। नेक्स्ट है नाम शब्द। नाम शब्द कहाँ आते हैं? संज्ञा में आते हैं। तो हम संज्ञा और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानेंगे। तो अभी मैं आप लोग को कागज़ की नाव स्टार्ट करूँगी।